So students, in our previous video we discussed relationship between zeros and sufficient. Now in this video we discuss some questions related to this topic, that is find the zeros of a quadratic polynomial. आपको find करना है zeros of a quadratic polynomial. Quadratic polynomial का zeros find करना है and verify the relation between zeros and its coefficient. और zeros और उसके coefficient के relationship को भी verify करना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है. फर्स्ट तो आपको जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का बाय फैक्टराइजेशन और मिडिल स्प्रिंग टर्म, जो भी मेथड से अप्लाई करें. एंड उसके बाद रिलेशनशिप भी फाइंड करना है जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट का. जीरो और उसके कोफिशिएंट का रिलेशन भी हम क्या करेंगे, वेरीफाई. नाउ आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है यहाँ पे. अब ये पॉलीनोमियल कौन सा है, ये पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. कैसे पता लगा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इसकी डिग्री देखेंगे अपन. आपको जब भी पॉलीनोमियल गिवन होगा आपको डिग्री देखनी सबसे पहले. तो डिग्री क्या है इसकी, 2x² - 2x - 8. x² - 2x - 8 एक पॉलीनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है, 2. अगर इसकी डिग्री 2 है तो ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. सबसे पहले इसको px की फॉर्म में लिखेंगे. p मतलब एक पॉलीनोमियल है और यहाँ वेरिएबल दे रखा है x, तो px पॉलीनोमियल है x की फॉर्म में. x मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म में दे रखा है x² - 2x - 8. नाउ जब ये आपको पॉलीनोमियल दे रखा है तो सबसे पहले इसको अरेंज करना है. क्या ये अरेंज है क्या, हाँ ये अरेंज है. पहले डिग्री 2 आ रही है, फिर डिग्री 1 आ रही है, फिर कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है, तो ऑलरेडी अरेंज है. नाउ फॉर फाइंडिंग जीरोज यू हैव टू पुट px = 0. आपको पता है जब जब जीरोज फाइंड करने होते हैं तो पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करना पड़ता है. तो मैंने क्या करा, पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दिया, दैट इज x² - 2x - 8 = 0. नाउ अब ये पॉलीनोमियल दे रखा है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो अपन देखेंगे x² - 2x - 8 = 0 इक्वल दे रखा है. इसको सॉल्व करेंगे अपन बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से या फैक्टराइजेशन से. अब मिडिल स्प्लिटिंग टर्म एंड फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए. x² के कोफिशिएंट कितना है, 1. तो फर्स्ट टर्म x² का कोफिशिएंट है 1, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा -8 से. तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेगी -8, और बीच वाली टर्म ऐड करने पे आनी चाहिए, ऐड करने पे आना चाहिए -2. मींस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल से आपको दो इन्फॉर्मेशन मिल गई. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना अरेंज कर रहा है पहले मैंने इसको, अरेंज करने के बाद फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -8 और ऐड करने पे बीच वाली टर्म दैट इज -2. तो दो नंबर ऐसे सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए और जिनको ऐड करने पर 2 आए. अब ये आपको खुद को सोचना है, कंडीशन आपको मिल गई है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को देख के. ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे -8 आए और ऐड करने पर -2 आए. तो आप सोचो, एक नंबर लिया आपने 2 और एक नंबर लिया आपने 4. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 से जब मल्टीप्लाई करा तो 2 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आएगा 8, लेकिन आपको चाहिए माइनस का 8. इसका मतलब इन दोनों नंबर से किसी एक नंबर पर आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. अब वो नेगेटिव साइन कैसे लगाएंगे, अगर मैं -2 के आगे नेगेटिव साइन लगाता हूँ तो -2 × 4 - 8 आ जाता है, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे प्लस का 2 मिल रहा है. तो मैं क्या करूँगा, ये जो माइनस का साइन है ये मैं 4 के आगे लगा दूंगा. इसके आगे लगा दूंगा 4 के आगे. फॉर एग्जाम्पल 2 × -4, तो -8 हो गया, और 2 में जब ऐड करोगे -4 को तो आंसर कितना आएगा, -2. इट मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है आपकी. तो आप नंबर क्या लोगे, 2 एंड -4. एक नंबर लिया 2 और दूसरा नंबर लिया -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -8, और इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आएगा -2. मींस आपने वो दो नंबर सर्च कर लिए हैं, एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है -4. नाउ बीच वाली टर्म को दो नंबर में ब्रेक कर देंगे, एक तो लिखूंगा मैं 2 और दूसरा लिखूंगा -4. तो फर्स्ट वाले पार्ट को तो एज इट इज लिखा 1x², बीच वाले पार्ट को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, यही तो लिखा मैंने +2x एंड फिर लिखा -4x, एंड थर्ड टर्म को एज इट इज नोट कर लिया -8 = 0. मींस आपने क्या करा है यहाँ पर, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म करिए, बीच वाले टर्म को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, +2x एंड -4, वो दोनों नंबर आपने यहाँ से सर्च किए. नाउ अब देखो फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 2.
लास्ट टू टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट टू टर्म में से भाई माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया और क्या कॉमन आ रहा है, और आप देखोगे इसके अंदर 4 भी कॉमन आ रहा है, दोनों 4 की टेबल में आ रहे, तो 4 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगेन दो टर्म बन गई, इन दोनों टर्म के अंदर x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा आपका x माइनस फोर इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब x प्लस 2 भी 0 के इक्वल होगा और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई माइनस का 2, प्लस का 2 उधर भेजेंगे माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकल गई माइनस प्लस का 4। मतलब आपने दो जीरो निकाल लिए, एक तो माइनस का 2 और एक प्लस का 4। मतलब अल्फा तो निकाल लिया आपने माइनस का 2 और बीटा निकाल लिया आपने 4। अल्फा और बीटा दो जीरो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के, एक निकाल लिया माइनस 2, एक निकाल लिया 4। नाउ ये आपने जीरोस निकाल लिया, जब जीरोस निकाल लिया अब क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला रिलेशन एसओजेड सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 2 निकाल ली आपने, प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये बी क्या है, बी और ए मैंने बोला था कोफिशिएंट है, तो यहां पर देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, तो ए की वैल्यू तो है आपकी 1 और एक्स का कोफिशिएंट होता है बी, तो बी की वैल्यू दे रखी है माइनस 2 और सी क्या है यहां पर, सी है कॉन्स्टेंट, दैट इज सी की वैल्यू दे रखी है माइनस 8, सी दे रखा है आपको माइनस 8 कॉन्स्टेंट। तो पॉलिनोमियल से आपने देख लिया ए की वैल्यू 1 कोफिशिएंट, नाउ बी की वैल्यू माइनस 2 एंड सी की वैल्यू माइनस 8, पुट कर देंगे माइनस तो फॉर्मूले का लग रहा है माइनस बी, और बी की जगह माइनस 2 पुट करेंगे, माइनस 2 अपॉन ए, ए दे रखा आपको 1। नाउ प्लस 2 एंड सॉरी माइनस 2 एंड प्लस 4 सॉल्व करेंगे कितना आ गया 2, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस दैट इज प्लस, तो ये भी आ गया प्लस 2। सो LHS इक्वल्स टू RHS, LHS RHS की इक्वल आ गया, तो ये आपने वेरीफाई कर लिया है सम ऑफ जीरोस। ऐसे ही वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, POZ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा दे रखा है आपको माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, बीटा दे रखा है 4, सी की वैल्यू है माइनस 8 और ए की वैल्यू है 1, तो माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आ रहा है माइनस का 8, सो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS RHS के इक्वल है, तो क्या हो गया ये हैंस वेरीफाई, क्या कर लिया आपने, वेरीफाई कर लिया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको 4t² + 8t, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और ये जो पॉलीनोमियल रखा है टी की फॉर्म में रखा है, मतलब इसके अंदर वेरिएबल टी है। इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का क्या फाइंड करना है आपको, जीरोस, तो आपने लिखा पी टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब 4t² + 8t को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब इसके अंदर देखोगे अब 3 टर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तो है लेकिन इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, 0, ax² + bx + c की फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट 0 है, मतलब दो ही टर्म दे रखी हैं। अगर दो टर्म दे रखी हैं तो अपन मिडिल स्प्रिंग टर्म नहीं लगाएंगे, कांस्टेंट 0 हो गया यहाँ पे, तो क्या लगाएंगे इसके अंदर, कॉमन मेथड, कॉमन मेथड से देखेंगे 4t² + 8t के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और टी भी कॉमन आ रहा है, तो 4t जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा टी प्लस और 4 की टेबल में 8 टू टाइम्स, तो बचा 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया, इट मीन्स 4t को 0 के इक्वल पुट करेंगे एक बार, और एक बार t प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकलेगी, 0 डिवाइड बाय 4, 0 डिवाइड बाय 4 इज 0 एंड हियर t इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो एक वैल्यू तो निकल गई अल्फा की 0 और बीटा की वैल्यू क्या निकल गई यहाँ पे माइनस 2। अल्फा एंड बीटा अगेन दो 0 फाइंड कर लिया आपने, अब इनका रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, अगेन अल्फा एंड बीटा सम ऑफ जीरोस, पहला रिलेशन है फर्स्ट सम ऑफ जीरो एसओ जेड, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, अल्फा की जगह पुट करेंगे 0 एंड बीटा की जगह पुट करेंगे माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू क्या है, अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो दे रखी है 4,
b की वैल्यू दे रखी है 8 और c की वैल्यू दे रखी है 0, तो b की वैल्यू दे रखी है 8, तो पुट कर देंगे माइनस का 8 अपॉन a की वैल्यू दे रखी 4, तो पुट कर देंगे a के प्लेस पे 4। इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस 2 दैट इज माइनस 2, ये 4 8 की टेबल में कैंसिल आउट हो रहा है, 4 वन जा 4 एंड 4 टू जा 8 तो आएगा 2, तो यहाँ बचा माइनस का 2। अगेन LHS RHS के इक्वल आ गया। सेकंड रिलेशन देखेंगे अपन, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी अपॉन ए। अल्फा के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, अल्फा के प्लेस पे पुट करेंगे अपन ने निकाल लिया 0 मल्टीप्लाई बीटा के प्लेस पे माइनस 2 इजिकल टू सी, सी की वैल्यू दे रखी कॉन्स्टेंट दैट इज 0 अपॉन ए, 8 ए दे रखा आपको 4। नाउ इस 2 को 0 को जब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और जब 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 0। सो LHS इक्वल टू आ गया RHS हैंस वेरीफाई, तो ये रिलेशनशिप भी आपने वेरीफाई कर लिया। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, थैंक यू।